लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, हमेशा लड़कियों से दूर रहना। सॉरी, गलती हो गई। हेलो, जान बच गई। चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे स्पीकिंग। हु इज दिस? हाउ आर यू? कर्ण सिंह जी, आपको कैसे पता चला हम इस चौकी में काम कर रहे हैं? चलिए, अच्छा है आपको पता चल गया। हाँ, कैसे आप घर पे? सब कैसे? भाभी बच्चे सब? आपके पैसे हम चुका देंगे कर्ण सिंह जी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पैसे चुका देंगे सूद समेत, पक्का प्रॉमिस। आपने झूठ कभी ना बोला। आप चौकी यार, आप चौकी आ रहे, आप चौकी ना आइए कड़क सिंह जी, हम आपके पास आ जाएंगे। आप फोन मत रखिए। हेलो 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 हेलो। हे भगवान, कड़क सिंह जी चौकी आ रहे हैं हमसे पैसे वसूल लें। अगर वो चौकी आ गए और मिस चौटाला के सामने ये खुल गया कि हम मुफ्त कोर टाइप के इंसान हैं, हमारी तो बैंड बज जाएगी। प्लीज कुछ सोचिए ना, हम भी कुछ सोचते, आप भी जरा कुछ सोचिए प्लीज, हमें बचा लीजिए प्लीज। आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तेने स्कूज? तू लाट साहब हो रहा कहीं का? मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्यों सुने भाई तुम्हारी बात? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो गई के? मैं फट पड़ूंगा। बम है तू जो फट जाएगा। बम? बॉम तो मेरी लाइफ में फट गया है। कौन सा बॉम यार? सुतली बॉम या मिर्ची बॉम? पत्नी बॉम। यस ब्रो, पत्नी बम वो बम है जो हर घर में फूटता है। लेकिन मेरा घर में नहीं, मेरा डिस्को में फूट गया। मैं फट पड़ूंगा। बात कुछ ज्यादा मत घुमा फिराओ, मैटर क्या है वो बताओ। ओके बाय। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द। वाह 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 गोपी, वाह वाह, कितना बकवास। अरे यार तू वो सब छोड़, मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू तलाक ले सीधा, बोनी नहीं हुई है। ए, कौन है बे तू? हैं, तलाक लेने की सलाह दे रहा है? मैडम, इस काले कोट को देख के आपको क्या लग रहा है? मैं कौन हूँ? मैं डॉन हूँ? ये काला कोट आपको दिखाई नहीं देता? मैडम, मैं पेशे से वकील हूँ, रिश्ते में इनका दोस्त हूँ, नाम है कानून कुमार, बोनी नहीं हुई है। अरे यार, एक तो तुम कह रहे हो कि तुम वकील हो, दूसरा तुम कह रहे हो कि बोनी नहीं हुई है। बोनी नहीं हुई है मतलब क्या यार? बोनी तो दुकान वालों की होती है। अरे मेरे कानून की बोनी नहीं हुई है, मेरे वकालत की बोनी नहीं हुई है। मैडम, मैंने आज तक एक केस नहीं लिया है। लिया नहीं या मिला ही नहीं? अरे दादाजी, आप गलत सोच रहे हैं। हुई 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 हुई। केसों की तो मेरे पास लाइन लगी हुई है। मैडम, मैंने सोचा है कि मैं लाइफ में पहला केस वो लड़ूंगा जो मैं 100% जीत जाऊंगा। yeah! और इसके केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 100% जीतूंगा। तू भाई, तू साइन कर, तलाक ले बस। ओए रुआ से, के हुआ, कौन है तू, क्यों लेना चाह रहा है बीवी से तलाक? मैडम, मेरा नाम है पट्टू प्यासा, मेरी अभी अभी कुछ दिन पहले नई नई शादी हुई है। ओहो यार, ये तो बताओ तुम हनीमून पे गए थे या नहीं? भाई देख लो, हैं, एक आदमी जिसका मून पे जाने का टाइम आ गया है दादाजी का, वो दूसरों के हनीमून में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है कि भाई कहाँ, ऊटी, शिमला, स्विट्जरलैंड। कैरी ऑन। हाँ भाई, नई नई शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे बोल। अरे यार, मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, तू सब छोड़, तलाक के कागज रेडी है, तू साइन कर। मैं हाथ तोड़ दूंगी साइन करने वाले के और करवाने वाले के। मैडम हुआ ये, मेरी बीवी मायके गई और फिर मायके से लौटी नहीं। किस्मत वाले हो दोस्त, तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी बीवी मायके गई और मायके से लौटी ही नहीं। कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं दोस्त, जैसे मैं और गोपी, जिनकी बीवियां मैके जाती नहीं, बल्कि उनकी बीवियों के मैके घर आ जाते हैं। हां जी जी मम्मी जी,
मेरी सास एक हफ्ते के लिए मेरे यहाँ पे आई थी, आज पूरे 32 साल हो गए हैं, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही जी। कैरी ऑन। मैडम मेरी बीवी मायके गई और मेरा ये दोस्त कानून कुमार मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा तू घर पे अकेला है यार, तेरी बीवी नहीं है, चल मजे करते हैं। तो चलो डिस्को उसको जाएंगे, तो हम लोग डिस्को गए। अब मैंने पता है डिस्को में किसे देखा? कैटरीना कैफ। करीना। किसे देखा? मैडम मैंने देखा कि मेरी बीवी वहां पे गाने गा रही थी डिस्को में। वो डिस्को सिंगर है वो डिस्को डांसर है वो। ओ माय गॉड, व्हाट इज द बकवास इज द, तुम्हारी बीवी डिस्को डांसर है यानी कि मिथुन चक्रवर्ती है? कोई शक? निकल जा, ये गेट आउट, बाहर निकल जा, दादा की इतनी बुरी एक्टिंग, निकल निकल। मैडम मुझे बताया गया था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो एकदम सती सावित्री है, उसका नाम है आशा, लेकिन वो निकली बिपाशा। नो 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 एंट्री वाली। अरे पट्टू मैं बोल रहा हूँ ना, तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ धोखा किया है, तू एक काम कर, तलाक के कागज रेडी है, तू इस पे साइन कर। एक मिनट यार, देखो हो सकता है कि तुम्हें कुछ धोखा हो गया हो, मतलब जिस लड़की को तुमने देखा जो डांस कर रही थी गाना गा रही थी, हो सकता है वो तुम्हारी बीवी ना हो। अरे अंधेरा होता है यार डिस्को में। वो मेरी बीवी थी। कमाल की बात तो ये कि मैंने 5-6 चक्कर मारे उसके आसपास, फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। शी इज सो प्रोफेशनल। मैडम मुझे मेरे ससुर के खिलाफ FIR लिखवानी है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, बुलवाओ इसके ससुर को चौकी में। जय आइए आइए। ये आ गए, अब दीजिए मैडम को जवाब, मेरा फोन तो काट दिया आपने। चुप रहो। अच्छा मैं फट पड़ूंगा। अरे मैडम झूठ है, सरासर झूठ। अरे गलत इल्जाम है हम पर और हमारी बेटी पर। किवाड़ खोल के चर। अरे अंकल जी पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे लो, हैं? किवाड़ तो खुलते रहेंगे। हाँ देखिए मैडम, मैं हूँ आशा का पिता और इनका ससुर। अब बताइए मेरा क्या कसूर किवाड़ खोल के चर। हमारा नाम है AC निगम और ऐसी बातें हमें जो है इस उम्र में सुनने को मिल रही है किवाड़ खोल के चर। मैं क्या भाभी जी एक ओए मुंह ढक ले अपना। नहीं मैं तो एमी ही। छुपा ले अपना मुंह, छुपा ले, ढक ले, रुमाल निकाल। कैरी ऑन। देखिए मोहतरमा, क्या है कि ये जो आपके पति हैं इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने आपको एक डिस्को में देखा जहाँ पर आप नाच रही थी गा रही थी, हैं? नहीं नहीं भैया, इनको कुछ धोखा हुआ है शर्म के सिंगापुर में। मैं गाना गाती हूँ लेकिन मीरा के भजन। मैं नृत्य करती हूँ लेकिन कथक। शर्म के सिंगापुर में। झूठ है मैडम ये सरासर झूठ है, मैंने अपनी इन मेंढक जैसी आंखों से जाके खुद देखा इसे वहां पे गाने गाते हुए। वो कौन सा गाना गा रही थी पहले? हाँ हाँ हाँ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और उसके थोड़ी देर बाद गाने लग गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू मैं तेरे से कह रहा हूं ना, मैं तेरे से कह रहा हूं इससे तलाक ले ले, बोनी नहीं हुई है यार। मैडम मैडम देखिए भाई, इनको अगर इल्जाम लगाना था तो कोई दूसरा इल्जाम लगाते, किवाड़ खोल के चर। बताइए, अरे ऐसा इल्जाम
कि हमारी बेटी डिस्को गई। अरे हमारी बेटी तो आज तक डिस्को गई नहीं। अब वो बात अलग है कि हम कई बार जा चुके हैं। अब बताइए, ये कह रहा है कि हमारी बेटी डिस्को में नाची? अरे ये नहीं, हम तो कई बार डिस्को में नाच चुके हैं। अंकल जी ऐसा है, देखिए थाने में FIR लिखाई गई है, तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। yes! हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, सारी उम्मीदें टूट गई। अच्छा एक बात बता, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आखिर क्या है मुझ में कमी जो तुम्हारे दिल में शक की बर्फ जमी? शर्म के सिंगापुर में। ओए, ये सही कह रही है छोरी ना, तैने ही हुई है कोई गलत फहमी, कोई धोखा। अरे ये इतनी सिंपल सी स्वीट सी असली देसी घी की बनी हुई भारतीय नारी है यो। हम पुलिस वाले हैं, कुछ नजर कुछ एक्सपीरियंस हम पे भी है। हमने यो वर्दी जो है कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है। निकलो यहाँ से और तू अपने इस दोस्त को लेके जा, आंखें मीच रहा है यो, इसकी जिंदगी भर के लिए मीच दूंगी मैं। फूटी आंख नहीं भाता यो मन्ने, निकलो। ठीक है ठीक है, चले जाते हैं भैया, लेकिन मैं वापस आऊंगा। वो भी खाली हाथ नहीं, सबूत के साथ आऊंगा इस बार में। मैं फट पड़ूंगा। हाँ जरूर, अभी जाइए। जा चलो भाई। मम्मी जी यहाँ पे क्या हो रहा है जी? मॉम गुलगुले क्या हो रहा है यहाँ पे? Everybody is not there. Excuse me. Hello. I can't hear. Mom. कोई बोलता क्यों नहीं है? मम्मी जी सब ठीक है? मिस चौटाला। यस सर। हमें ढूंढते हुए कोई आया यहाँ पर? आपको ढूंढते हुए? ढूंढते हुए का मतलब है पूछते हुए, हमें ढूंढ कौन सकता है, किसकी हिम्मत है हमें ढूंढने की? तो हमें पूछते हुए कोई आया यहाँ पर? ए गोपी आया था इनको पूछते हुए कोई? नॉट द ये जो कह रहा है वो मैं ट्रांसलेट करता हूँ सर। नहीं सर, कोई नहीं आपको ढूंढते हुए या पूछते हुए कोई नहीं आया था सर। ठीक है, अगर हमें ढूंढते हुए मतलब पूछते हुए अगर कोई यहाँ पर आया तो सीधा हमारे कमरे में भेज देना। क्या ना, कातिल सिंह के बारे में कुछ खबर मिली है और वो आदमी सीधा मेरे पास आ रहा है खास खबर लेकर, तो कोई बात नहीं करना उसे, सीधा हमारे कमरे में भेज देना। ओके ओके ओके। अरे अरे लेकिन Your lucky day. Pattu just saved you. Thanks, Pattu. आइए आइए। Well, bro, you is the come again is the? दादाजी, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई मिठाई का डब्बा दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे यहाँ पिन्नियाँ सिक रही हैं या पंजीरी बट रही है? यहाँ मुंह उठाए चले आते हो, एक रोंदड़ एक बिल्कुल ही ब्लैक क्रो। सबूत मैडम, मैं सबूत लेके आया हूँ इस बार। मैं उस डिस्को में गया था जहाँ मेरी बीवी गाने गाती फिरती है। मैंने इस बार उसके फोटोएं खींची है वहाँ पे। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू, अब क्या सोच रहा है तू है? अब तो सबूत भी है, देख कागज रेडी है, वकील अबर रेडी है, साइन कर दे यार, बोनी नहीं हुई है। कर कर साइन कर। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तलाक तो मैं होने को ही ना दूंगी। yes! समझ में आ रही है बात? फोटो दिखा। अरे मैडम ये तो
करेक्ट है मैडम, ये इसी की बीवी है, लेकिन फोटोज में तो एकदम फटाका। मेरा मतलब एकदम फुलझड़ी, मेरा मतलब है एकदम अलग लग रही है मैडम। देखिए देखिए, वाओ, हे, ओ माय गॉड, मम्मी जी ये बिल्कुल सही कह रहा था। कई बार सबूत और हकीकत में बहुत फर्क होवे, और इस बार हकीकत पता लगाने के लिए हमें ही डिस्को जाना पड़ेगा। It's the time to disco.